भाई कह रहा है कि आज ट्रेन बिफोर चल रही है। मैंने कहा इसको भाई जब हम जिस ट्रेन में चढ़ते हैं ना वो गाड़ी बिफोर ही चलती है। कॉमन मैन, नाम सुनने में जितना हल्का लगता है लेकिन उससे बड़ी उसकी ताकत है। दोस्तों, इंडियन रेलवेज ने इसी कॉमन मैन का दिल जीतने के लिए अपने जाने मानी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस के आगे जन जोड़ दिया। जन का मतलब होता है कॉमन मैन। और लॉन्च की नई ट्रेन जन शताब्दी एक्सप्रेस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई आपका जा रहा है कोलकाता और ट्रेन है जन शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12024। दोस्तों, ये पटना से 5:30 बजे खुलती है और अबाउट 2 बजे तक कोलकाता पहुँचती है और इस दौरान ये 530 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 8 घंटे में। बता दूँ, इस ट्रेन का स्टॉपेज इस बीच में, पटना से हावड़ा के बीच में इसके 14 स्टॉपेज हैं। और दोस्तों, इस ट्रेन में एसी चेयर कार है, अबाउट 770 है और सेकंड सीटिंग जिसका फेयर 220 है, जिससे आपका ये गरीब भाई जा रहा है। हमारी ट्रेन जन शताब्दी एक्सप्रेस। मेरा दोस्तों D11 में है इनका। सुबह के अभी 5:15 हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 5:30 मॉर्निंग और ट्रेन खुल चुकी है यहाँ से। दोस्तों, हम लोग झारखंड जस्सीडीह स्टेशन आने वाला है। कुछ खाएंगे यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है, देखते हैं कुछ मिलता है तो कुछ खाएंगे। जर्नी चलती रहेगी।
यहाँ देखते हैं कुछ नाश्ता के लिए कुछ मिलता है, कुछ तो दिख नहीं रहा है। जसीडीह दोस्तों, ये झारखंड में पड़ता है, जसीडीह जंक्शन ये झारखंड में पड़ता है। और अब यहाँ से कुछ दूर के बाद से वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाएगा। भाई कह रहा है कि आज ट्रेन बिफोर चल रही है। मैंने कहा इसको, भाई जब हम जिस ट्रेन में चढ़ते हैं ना वो गाड़ी बिफोर ही चलती है। इसलिए अगर पटना से आपको कोलकाता जाना है तो बेस्ट ट्रेन है, बट इसका एक साइड इफेक्ट यही है कि आपको सुबह उठना होगा, और इस ट्रेन को पकड़ने के लिए आपको सुबह 4 बजे से ही उठना होता है। तो धूप बहुत है, 7 बजता तो ट्रेन मस्त है। का भाई हावड़ा स्टेशन पहुंच चुका है। अब मैं स्टेशन से बाहर निकलूँगा और निकल के टैक्सी करूँगा, कोई होटल देखूँगा। दोस्तों होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं 2 दिन कोलकाता में हूँ और कोशिश करूँगा आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ। बाय एंड टेक केयर।